नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे दिन की बड़ी खबरों की। पंजाब में एक पुराने कांग्रेस कार्यकर्ता ने खुदकुशी कर ली। उन्होंने जान देने से पहले पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के नाम एक ऑडियो भी जारी किया है। इसमें उन्होंने कांग्रेस पर बड़ा इल्जाम लगाया। ऑडियो में उन्होंने कहा है कि पार्टी में कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई नहीं होती। इस मामले के सामने आते ही पंजाब कांग्रेस में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलने के बाद देर रात नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस कार्यकर्ता के घर पहुंचे। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर हैप्पी के खुदकुशी करने पर दुख जताया। लुधियाना जिले के दाखा विधानसभा हल्का के गांव जांगपुर के पुराने कांग्रेस वर्कर 49 वर्षीय दलजीत सिंह हैप्पी बाजवा ने वीरवार को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के नाम ऑडियो जारी कर जहर खाकर जान दे दी। हैप्पी ने गांव हिस्लोवाल में जाकर जहरीला पदार्थ निगला और मौत के लिए 3 लोगों को जिम्मेदार ठहराया। 2 लोगों को पुलिस ने रात में ही गिरफ्तार कर लिया है। तो लुधियाना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं खुदकुशी की है और इस खुदकुशी करने के बाद एक ऑडियो भी सामने आया है। ये ऑडियो सिद्धू के नाम है। इसमें साफ तौर पर सुनाई दे सकता है कि यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होती है, यानी कि पार्टी में उनकी किसी तरह की कोई बात नहीं मानी जाती न सुनी जाती है। इससे परेशान होकर उसने खुदकुशी कर ली। आपको बता दें कि सिद्धू उनके घर पहुंचे, परिवार को सांत्वना जताई है। इसके अलावा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी ट्वीट कर उनकी आत्मा के लिए शांति की प्रार्थना की है। इसके अलावा 3 लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया है, जिनमें से 2 की गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली है, 1 अब भी फरार बताया जा रहा है। तो पंजाब कांग्रेस में एक नई घटना सामने आई है, जहां पुराने कांग्रेस के कार्यकर्ता ने खुदकुशी कर ली और इसके बाद एक ऑडियो भी जारी किया है। उस ऑडियो में साफ तौर पर यह सुना जा सकता है कि पार्टी में, यानी कि अगर बात की जाए कांग्रेस में, तो उनकी सुनवाई नहीं होती है, जिससे वहां पर कार्यकर्ता बेहद परेशान होते हैं। ऐसे में अब लगातार जांच की जा रही है। खुद सिद्धू उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुंचे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट करके दुख जताया है। इसके अलावा जिन 3 लोगों का नाम लिया गया है, हालांकि उसका अभी कुछ साफ नहीं हो पाए कि वो 3 लोग कौन हैं, लेकिन 2 की गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली है, ऐसी जानकारी मिल रही है। गीतकार लेखक जावेद अख्तर और अभिनेत्री शिवाना आजमी ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। परिवर्तन की आवश्यकता के बारे में बात करते हुए उन्होंने बात की है कि बंगाल ने हमेशा क्रांतिकारी आंदोलनों का नेतृत्व किया है। उन्होंने बनर्जी से मुलाकात कर कलाकारों को रॉयल्टी देने का आश्वासन देने वाले विधेयक का समर्थन करने के लिए धन्यवाद दिया। जावेद अख्तर ने कहा है कि बंगाल ऐतिहासिक रूप से हमेशा क्रांतिकारी आंदोलनों में एक कदम आगे रहा है और यही कारण है कि राज्य में कलाकार और बुद्धिजीवी बनर्जी के साथ खड़े रहे हैं। ये पूछे जाने पर कि क्या बदलाव की जरूरत है, तो अख्तर ने कहा, मैं सभी के लिए नहीं कह सकता, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि परिवर्तन होना चाहिए। देश में अभी कई तनाव है, ध्रुवीकरण का मुद्दा है, कई लोग आक्रामक बयान देते हैं, हिंसा की घटनाएं होती हैं। ये शर्म की बात है कि दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे हुए, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि ममता बनर्जी 5 दिवसीय दिल्ली दौरे पर है, जिसमें कल वो जावेद अख्तर और शिवराजमी से मुलाकात करने के लिए पहुंची थी। इस दौरान कई देर तक चर्चा हुई है। ऐसे में पहले बंगाल के लिए लड़ाई और अब भारत के लिए लड़ना चाहती है ममता बनर्जी, ऐसी तमाम चीजें निकलकर सामने आई है। वहीं जावेद अख्तर ये कहते हुए नजर आए हैं कि बंगाल वो धरती है जिन्होंने कई क्रांतिकारी चीजों में हिस्सा लिया है और आगे भी लेते रहेंगे। परिवर्तन के बारे में पूछे जाने पर जावेद अख्तर ने कहा है कि मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा और ना ही मैं ये कहना चाहूंगा कि सब चीजों में परिवर्तन की जरूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं परिवर्तन होना चाहिए क्योंकि देश इस वक्त कई सारे तनाव से जूझ रहा है। तो ममता बनर्जी ने जावेद अख्तर और शिवाना आजमी से मुलाकात की है। इससे पहले उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सोनिया गांधी से भी मुलाकात की है। तो ऐसे में कई कयास लगाए जा रहे हैं कि ममता बनर्जी अब पूरे विपक्ष को एकजुट करना चाहती हैं और एक बड़ा चेहरा बनकर सामने आना चाहती हैं, जो विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा होगा। कल
कल जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होनी है। इसको देखते हुए आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो सकते हैं, क्योंकि इस बैठक में नीतीश कुमार को भी शामिल होना है। इसके अलावा केंद्रीय इस्पात मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह, सभी सांसद, सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकारिणी के सभी सदस्य हिस्सा लेंगे। इस पूरे कार्यक्रम और बैठक के बारे में पार्टी के महासचिव अफाक अहमद खान ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि जंतर मंतर स्थित पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में ये बैठक होगी। बैठक में सदस्यता अभियान की रूपरेखा, संगठन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अलावा आने वाले कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है, इस मुद्दे पर भी तैयारियों के बारे में चर्चा की जाएगी। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली के लिए रवाना हो सकते हैं। जेडीयू की बैठक के लिए वो रवाना होंगे और बैठक में कई बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं, जिसमें तमाम सांसद, तमाम राज्यों के जो पार्टी कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी नेता हैं, वो भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि इस बैठक में जगह जो है मुख्य चेहरों को दी जाएगी, कार्यकर्ता सिर्फ और सिर्फ हौसला अफजाई करते हुए नजर आएंगे। तो जेडीयू की ये बड़ी बैठक होने जा रही है, बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। आप बता दें कि बिहार में अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष लगातार ये कहता हुआ नजर आया है कि नीतीश सरकार जल्द ही गिरने वाली है। कुछ संकेत लगातार सामने आए हैं, लेकिन आज जब नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच रहे हैं और दिल्ली में जेडीयू की बड़ी बैठक होगी, ऐसे में आगे क्या निर्णय लिया जा सकता है ये देखना होगा। केरल में कोरोना के साथ साथ जीका वायरस से भी संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने गुरुवार को बताया कि राज्य में जीका वायरस के 5 और मामले सामने आए हैं, जिससे राज्य में कुल मामलों की संख्या 61 हो गई है, जिनमें से 7 सक्रिय मामले हैं। इसके साथ ही उन्होंने राज्य में कोरोना के 22,064 नए मामले दर्ज किए जाने पर भी सफाई दी है। उनका कहना है कि हम इन दिनों अधिकतम परीक्षण कर रहे हैं। बुधवार को हमने 1.96 लाख से अधिक परीक्षण किए, गुरुवार को हमने 1.63 लाख से ज्यादा परीक्षण किए हैं, इसलिए हम और परीक्षण करने की कोशिश कर रहे हैं। जॉर्ज ने कहा है कि हम सभी सकारात्मक मामलों का पता लगाना चाहते हैं, क्योंकि हम इन्हें घटाना चाहते हैं और ये भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर नहीं आ पाए। हम स्थिति को नियंत्रण में लाना चाहते हैं, इसलिए हम अधिक से अधिक परीक्षण कर रहे हैं। इसलिए इन दिनों सकारात्मक मामले अधिक आ रहे हैं। नए मामले सामने आने पर हो रही आलोचना पर उन्होंने कहा है कि केरल के खिलाफ सुनियोजित अभियान है। विभिन्न राज्यों के सभी विशेषज्ञों का कहना है कि हमारे पास बहुत अच्छा रक्षा तंत्र है। ICMR के सभी सर्वों से पता चलता है कि लगभग 42% लोगों में एंटीबॉडीज बनी है। ये दर्शाता है कि हमारा निवारक तंत्र बहुत अच्छा था। तो केरल में जीका वायरस के 5 नए मामले मिले हैं, तो ऐसे में चिंता और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि केरल ही ऐसा राज्य है जहां पर कोरोना के सबसे ज्यादा मामले फिलहाल सामने आ रहे हैं। और कोरोना के नए मामलों पर स्वास्थ्य मंत्री ने सफाई भी दी है। उनका कहना है कि आने वाले समय में अगर हम इसी तरह से सावधानी रखेंगे तो मामले कम हो सकते हैं, क्योंकि हमारा जो रक्षा तंत्र है कोरोना को लेकर वो पूरी तरह से परिपक्व है। और आने वाले समय में जो एंटीबॉडीज बन रही हैं, 42% है इसका जो आंकड़ा है, वो ज्यादा हो सकता है। तो बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर ये बयान सामने आया है स्वास्थ्य मंत्री का, जहां केरल में जीका वायरस के नए मामले सामने आए, जिसके बाद चिंता का विषय बना हुआ है। भारत के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन को 500 से ज्यादा लोगों और समूहों ने पत्र लिखकर कथित पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तुरंत हस्तक्षेप किए जाने की अपील की गई है। उन्होंने भारत में इजरायली कंपनी एनएसओ के पेगासस स्पाइवेयर की बिक्री, हस्तांतरण और उपयोग पर रोक लगाने की भी मांग की है। पत्र में सुप्रीम कोर्ट केंद्र और इजरायली कंपनी एनएसओ को भारत के नागरिकों के खिलाफ छेड़े गए सरकार प्रायोजित साइबर युद्ध से जुड़े कई सवालों का समयबद्ध जवाब उपलब्ध कराने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने मीडिया में आई इन खबरों पर हैरानगी जताई है कि स्पायरवेयर का इस्तेमाल छात्रों, विद्वानों, पत्रकारों, मानवाधिकार के पैराकारों, वकीलों और यौन हिंसा पीड़ितों की निगरानी के लिए किया गया है। इसके अलावा पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों ने सुप्रीम कोर्ट से यौन उत्पीड़न पर लैंगिक रूप से तटस्थ डेटा सुरक्षा और निजता नीति अपनाने का अनुरोध किया है। पत्र में सुप्रीम कोर्ट के एक अधिकारी के कथित जासूसी मुद्दे का भी हवाला दिया गया है, जिन्होंने तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। तो 500 से ज्यादा लोगों ने CJI को पत्र लिखा है, सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप करने की मांग की है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है। आपको बता दें कि
नागरिकों के खिलाफ छेड़े गए सरकार प्रायोजित साइबर युद्ध से जुड़े कई सवालों का समयबद्ध जवाब उपलब्ध करने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। महिलाओं और बेटियों को सशक्त और स्वावलंबी बनाने के लिए चल रहे मिशन शक्ति अभियान के तीसरे चरण का शुक्रवार यानी कि आज आगाज होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्चुअली पोर्टल लॉन्च करेंगे। दावा किया जा रहा है कि महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए शुरू किया गया है। इस बार मिशन शक्ति अभियान अगले चरण में एक नए फ्लेवर में नजर आएगा। खास बात यह है कि इसमें नव निर्वाचित महिला ग्राम प्रधानों को भी जोड़ा जाएगा। ग्राम स्तर पर महिलाओं को सशक्त और जागरूक करने में महिला ग्राम प्रधान अहम भूमिका निभाएंगी। प्रदेश सरकार के मिशन शक्ति अभियान ने महिलाओं को सशक्त बनाने का काम किया है। इससे पहले मिशन शक्ति अभियान के दौरान महिला स्व सहायता समूह बीसी सखी और योजना से महिलाओं को स्वावलंबन की राह दिखाई है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह जैसी योजना ने बालिकाओं और उनके अभिभावकों की बड़ी मदद की है। इसके अलावा मिशन शक्ति अभियान के तहत प्रदेश भर में बालिकाओं को मार्शल आर्ट ट्रेनिंग, दहेज कुप्रथा, बाल विवाह को लेकर बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाया गया है। महिलाओं और बालिकाओं को कंप्यूटर लैंग्वेज, बायोडाटा मेकिंग, टेलरिंग देकर कौशल विकास किया गया है। तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए तीसरे चरण का आगाज हो गया है। महिला ग्राम प्रधान भी अभियान से जोड़ी जाएंगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को लेकर लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, बालिकाओं को लेकर लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है और इसी कड़ी में तीसरा चरण आज शुरू होने जा रहा है। इसके अलावा मिशन शक्ति अभियान के तहत प्रदेश भर में बालिकाओं को मार्शल आर्ट ट्रेनिंग दी जाएगी, दहेज कुप्रथा, बाल विवाह को लेकर बड़े पैमाने पर जागरूक भी किया जाएगा और इसी पैमाने पर यह बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। महिलाओं और बच्चियों को कंप्यूटर लैंग्वेज सिखाना, बायोडाटा बनाना, ट्रेनिंग देकर कौशल विकास भी किया जाएगा। तो यूपी सरकार पूरी तरह से तैयार है महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर। आज से तीसरे चरण की शुरुआत हो रही है। यूपी की राजधानी लखनऊ में करीब 3 महीने बाद आज से मल्टीप्लेक्स खुलने जा रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर के कारण सरकार ने मल्टीप्लेक्स को बंद करने का आदेश दिया था। हालांकि अब कोरोना की स्थिति काबू में देख मल्टीप्लेक्स खोले जा रहे हैं। वैसे तो योगी सरकार ने जुलाई की शुरुआत में ही मल्टीप्लेक्स को खोलने देने की इजाजत दे दी थी, लेकिन तब ये खुल नहीं सके। राजधानी में फिलहाल गिने चुने मल्टीप्लेक्स की चेन है जो आज से फिल्मों का प्रसारण करेंगे। कोरोना संक्रमण के कारण मल्टीप्लेक्स मालिकों को काफी नुकसान हुआ है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा दर्शकों को लुभाने के लिए मल्टीप्लेक्स मालिकों की तरफ से टिकट के दाम लगभग आधे कर दिए जाएंगे। सरकार की ओर से मल्टीप्लेक्स में कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन कराने को कहा गया है। तो लखनऊ में आज से मल्टीप्लेक्स खोले जाएंगे। मल्टीप्लेक्स के आधे हुए टिकटों के दाम जो मल्टीप्लेक्स के मालिक है उन्हें काफी नुकसान हुआ है। हालांकि आदेश इसके पहले दे दिए गए थे लेकिन वो इसे खोल नहीं पाए थे, लेकिन आज से मल्टीप्लेक्स खोलने की पूरी तैयारी कर ली गई है और चारों तरफ जो लोग हैं उनमें भी उत्सुकता देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि उनके पास भी एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं था, लेकिन अब वो फिल्में जो हैं सिर्फ फोन पे ना सही, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ना सही, मल्टीप्लेक्स में भी देख सकते हैं। तो कोरोना की दूसरी लहर के कारण सरकार ने मल्टीप्लेक्स को बंद करने का आदेश दिया था। हालांकि अब कोरोना की स्थिति काबू में है, इसको देखकर मल्टीप्लेक्स खोले जा रहे हैं। वैसे योगी सरकार ने जुलाई के शुरुआत में ही कहा था कि मल्टीप्लेक्स खोले जाएंगे, लेकिन नहीं खोले जा सके। तो अब मल्टीप्लेक्स खोलने की पूरी तैयारी आज से हो रही है। हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में यमुना नदी एक बार फिर उफान पर है। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हालांकि यमुना नदी अभी अपने खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन वार्निंग लेवल से ऊपर बह रही है। यमुना नदी में जलस्तर बढ़ने के साथ ही निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। दिल्ली में घने बादल छाए हुए हैं और मौसम विभाग ने यमुना से सटे क्षेत्रों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। यमुनानगर के हथिनी कुंड बैराज से 2 दिन से पानी छोड़ा जा रहा है। लाखों क्यूसेक पानी दिल्ली की ओर आ रहा है। यमुना के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए लोहे का पुल बंद कर दिया गया। फिलहाल दिल्ली में यमुना का जलस्तर 205.17 मीटर पर है, जो कि चेतावनी के स्तर 204.50 मीटर को पार कर चुका है। हालांकि अभी खतरा का स्तर से 16 सेंटीमीटर नीचे है। यहां तक कि दिल्ली में यमुना के उफान की बात है तो उस पर तमाम एजेंसियां लगातार नजर बनाए हुए हैं। अगर हालात गंभीर हुए तो यमुना के किनारे बसे कुछ और इलाकों को खाली कराया जा सकता है, क्योंकि हर साल जब भी
हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा जाता है तो दिल्ली में यमुना का जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो निचले इलाके हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और यमुना के आसपास जो लोग खेती करते हैं उनको काफी नुकसान हो जाता है। वहीं प्रशासन राहत और बचाव का काम भी संभाल सकता है, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो वार्निंग लेवल से ऊपर यमुना बह रही है, हालांकि जो रेड अलर्ट है वो जारी नहीं किया गया है, लेकिन वार्निंग दे दी गई है क्योंकि आने वाले समय में अगर यूं ही बरसात होती रही और हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा गया तो यमुना का जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। चलिए फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही, लेकिन आगे आप देखिए पारुल त्यागी के साथ कि वो कौन से राजनेता हैं जो अपने परिवार की तरह या अपने पिता की तरह वो राजनीति में हासिल नहीं कर पाए जो उन्हें हासिल करना था।